मुझसे सनम तुम इतनी मोहब्बत करो कि सारा जमाना जल जाए, अरमां बड़े इस दिल में ठहरे हुए, ये दिल तुम्हें कैसे समझाए। मेरा ख्वाब हो मेरी याद हो तुम, मेरा ऐतबार हो तुम, चैन हो करार हो मेरा इश्क हो मेरा प्यार हो। बरसों से किया जिसका मैंने तुम वही इंतजार हो, तुम चैन हो करार हो मेरा इश्क हो मेरा प्यार हो। हाँ दिल से बोल रहे हैं, नहीं देता गाने का सुनाई नहीं देता, दिल से बोल रहे हैं सुनाई नहीं देता किसी को। मैं गाना गा रहा हूँ, ओह मैं गाना गा रहा हूँ या मैं दिल की बात कह रहा हूँ, कोई हमारी बात नहीं समझता, क्या करें हम, इसलिए हम गाना ही गाते हैं। सामा जी लाइव, ओके लाइव इसके भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। सीखा है क्या ये तो पहले ही याद था मुझे, पहले सीखा है। मुझे लगता है आपको नहीं बोला रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता। कभी बोला नहीं आपने, तुमने कहा था ना मुझे लगता था आपको नहीं आता होगा, आपको कहाँ आता होगा। ये मूवी जिससे रिलीज हुई थी वैलेंटाइन डे पे रिलीज हुई थी। हाँ वो दिल वाली है ना मूवी, दिल ट्रांसप्लांट। पता नहीं कौन सा साल, 2015 था पता नहीं कौन सा था, तब मेरे प्यार में मतलब अपना दिल दे देते हैं, दिल दे देते हैं लड़की ने ना। लड़का नहीं मर जाते लड़की, लड़का मर जाते। बहुत रोई होगी तुम तो, ओ बहुत इतना नहीं होता ऐसा, अपना दिल कौन देता है प्यार में, दिल काट के ट्रांसप्लांट। अच्छा अच्छा आई हैवन सीन द मूवी, यू हैव टू सी द मूवी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। सनम रे मूवी है, मैंने गाया है जो नहीं अभी मैंने गाया है, वो तो अरिजीत सिंह ने गाया है, आवाज़ स्लो है। क्या आवाज़ स्लो है मतलब, अब 12 बजे इन करेंगे लाइव है ना, अभी टाइम क्या है, अभी 11:45। क्योंकि लोग थोड़ा सा लोग
को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वो रात भर सोते नहीं हैं, सोच के थोड़ा सा 12 बजे तक ठीक है ना? क्या बोलती हो आप? नहीं, आप आके फिर चली गई, मैं सोचा आप आ रहे थे तो मैं भी आ गया। मुझे नहीं। आप नहीं गई, आप लाइव आके नहीं गई, मुझे शो ही नहीं हो रहा था, मैं सोचा आप चली गई, फिर बाद में शो हो गए। यार गाइस, देखा एक ख्वाब तो वे सिलसिले हुए, कुछ बातें हम कहीं सी, कुछ यादें। तो बोल रहे 12:30 ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, 1 बजे तक ठीक है। अगर 9 बजे आया तो 12 बजे 12:30 तक ठीक है, 10 बजे आया तो 1 बजे तक ठीक है ना जी? सनम री, इंडियन आइडल कब आ रहा है पता किया? 2025 एक साल बचा है, एक साल से कम नहीं। चलो हम जाएंगे नेक्स्ट ईयर इंडियन आइडल पे, कसम से। पहले ही फेंक दिया तो क्या करेंगे? कि ना जानू ग्रेट सिंगर हुनुहुन्छ, सिंगर अब हमने वादा किया है कि हम जाएंगे तो एक बार चले जाएंगे, कोई बात नहीं, चेक भी हो जाएगा, अपने औकात का भी पता चलेगा, कितने पानी में है, कितने कहाँ है। मेरा प्रोफेशनल सिंगर तो ही डिजर्व मोर, उसको भी जितने लोग जानते हैं ना, बाकी जो भी हो जाए कोई बात से डिनाई नहीं कर सकता फिर। और अच्छा से आज तक जस्टिस ने ऐसे सुना यही था कि आवाज की वजह से, बाकी मुझे भी लग रहा है, कभी कभी मुझे भी लगता है इंडियन आइडल एक बार जाना पड़ेगा, क्या पता बॉलीवुड में हो जाए कुछ। बॉलीवुड अब तो ठीक, अब तो उर्दू भी ठीक हो रखी है, करवाई जा रही है, लेकिन लफ्ज भी ठीक है अभी तो। तो कुछ बात है, हो सकती है,
गो अहेड एंड बेस्ट विश विशेस, थैंक यू सो मच। क्या करना है, इन करना है या क्या करना है? क्या है, 12 बजे निकल 10 मिनट बाकी है। कसैलाई भनिदिउँ भित्रभित्रै, फेरि टिकटक लाइभमा आउँछ, फेक दिया तो फिर टिकटक लाइव। गाइस हे छोरी, अगर बहुत बड़े सिंगर हो, बहुत बड़े बिजी सिंगर भी हो गए तो भी लाइव तो आने, हमें तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम वही मेरे पास एड्रेस है, वही वहाँ पे मोर हो जाएगा लाइव। लाइव तो आना पड़ेगा। सही बात, गंदा मुंह मत करो। हाँ मैं लेके आऊंगी लाइव, मैं आऊंगा, मजा आता है मुझे लाइव में गाने में, बहुत मजा आता है। खाबी खाबी लग से है दुनिया, ओके गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा गाइस, दुआओं में याद रखिएगा, और हम जल्द ही जा रहे हैं, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो चांद एलिया लाइव नहीं, नहीं करना है करूं, लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर। ओके गाइस, हे गाइस, आई विल बी सीइंग यू, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।